अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। और ये हमारी तरफ चूँकि छुट्टियाँ हैं पाकिस्तान में, तो सुने को स्कूल खुल गए हैं। मैंने फिर पाकिस्तान से ही इब्तदा कर दी है वीडियो की। एनीवेज, हमारे इधर अभी तक छुट्टियाँ चल रही हैं और छुट्टियों की रूटीन ऐसी हुई है कि बस 12-1 तो नाश्ता बनाते करते ही हो जाते हैं, 12-1 बज जाता है, उसके बाद फिर दिन थोड़ा सा रह जाता है। ऐसे जैसे टाइम में कोई बरकत नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह बंदा उठता, सारे काम ना ख़त्म हो जाते हैं, अपने अपने टाइम पर रूटीन में बंदा रहता है। इस जब से छुट्टियाँ आई हैं ना, कोई रात को ये बच्चे नेटफ्लिक्स पे कुछ ना कुछ लगा लेते हैं, हम भी साथ, फिर 12-1 बज जाता है लेटते लेटते ही। तो सुबह भी फिर उठने का इनका दिल नहीं होता, मूड नहीं होता कि लेट ही उठे, तो हम भी फिर फोर्स नहीं करते कि चले इसी तरह छुट्टियाँ इंजॉय करें। ये मुझे याद ही नहीं रहा आपको दिखाना कि मैं किससे ना चूल्हा क्लीन कर रही हूँ। ये स्टोव तो लगते तो प्यारे हैं, लेकिन थोड़े से भी डर्टी हो जाए ना तो फिर डल डल से लगते हैं। जब कोई चीज़ वगैरह गिर जाती है ना, तो लास्ट टाइम मैंने जो आपकी स्प्रे दिखाई थी, जैसे चाय वगैरह उबल गई, तो फिर मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। वरना रेगुलर डेली के लिए ना मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। मैं आई थिंक मैं आपको दिखाना ही भूल गई हूँ कि ये कौन सी, ये हर मार्केट से मिल जाती है। इसके ऊपर इस चूल्हे की ना तस्वीर भी बनी होती है स्टोव क्लीनिंग के लिए, और हर तरह की जो फैट है उसको भी क्लीन करता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखा दूंगी, जब भी ये क्लीन करूंगी ना, इससे भी बड़ा रेगुलर डेली मैं इसी से ही करती हूँ। लेकिन जब मुझे लगे कि कोई चीज़ ऊपर गिर गई है, तो वो उससे बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। ये सबसे पहले मैं इसको स्प्रे करके ना 5 मिनट छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं ना स्पॉन्ज के साथ थोड़ा सा रगड़ती हूँ, ताकि कोई निशान वगैरह है तो वो उतर जाए। और उसके बाद मैं ना वेट क्लोथ के साथ एक दफ़ा क्लीन कर लेती हूँ, और फिर टिश्यू के साथ सारा ड्राई कर दूँ, तो ऐसे निशान वगैरह नहीं पड़ते। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ना ये क्लीन हो जाता है। ये लोग तो वीक में 1-2 बार ही ऐसे काम करते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि ये खाना भी तो कम ही पकाते हैं घरों में, और हमने तो पकाना होता 3 टाइम घर में, घर का खाना होता, फिर हमारे खाने भी, तो आपको पता है माशाल्लाह कितना ज़्यादा टाइम लेते हैं, और छींटे वगैरह भी उठती हैं, तो डेली क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। और मेरी बेटी मेरी हेल्प करवा रही थी। मैं आज आपसे ना सारा दिन की रूटीन शेयर करूँगी कि मैंने अपना आज का दिन ये कैसे स्पेंड किया है, और ये वीडियो पूरी एक फुल डे की रूटीन है मेरी। और मेरी बेटी मेरे साथ ये बड़ी वाली हेल्प करवाती है, छोटी के तो अपने बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और माशाल्लाह ये बेटे भी घर के कामों में हेल्प कर देते हैं मेरी, डस्टिंग वगैरह भी कर देते हैं, वैक्यूम लगा देते हैं। और ये मैं किचन साफ़ करके बाहर आई हूँ, तो मैंने देखा कि हनी के शूज़ इतने गंदे हुए, तो मैंने इनको क्लीन करने लगी। फिर मैंने कहा कुछ लोग जो न्यू इधर होते हैं, या फिर पुराने भी हो, तो वो जैसे हम अपने तरीके से साफ़ कर लेते कपड़े वगैरह से, या टॉवल से किसी से कर लिया साफ़। लेकिन मैं ना ये वाली मैं यूज़ करती हूँ, जो फ्लैकन स्प्रे है ना, जिसके साथ दाग धब्बे वगैरह के लिए मैंने आपको पिछली दफ़ा रोज़मन से ली थी, इसी को ना मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाती हूँ। ये हर तरह के दाग धब्बों के लिए भी होती है, और मट्टी वगैरह घास के निशान भी। तो ये बच्चे स्पीड प्लट्स पहन के जाते हैं ना, तो उधर से मट्टी और घास के निशान ऐसे शूज़ों पे लग जाते हैं। तो मैंने ना ये ट्राई एक दफ़ा की, तो मुझे इतनी, मैं तो ऐसे ही अब ये यूज़ करती, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आया था। और वरना तो मैं पहले धोती बहुत थी शूज़, धोने से भी ना बहुत ज़्यादा, धोने से तो शूज़ ख़राब भी हो जाते जल्दी, इसलिए मुझे ना ये वाला तरीका बहुत ईजी लगता है। जितने मर्जी शूज़ गंदे हों, इतने प्यारे क्लीन हो जाते, वाइट हों, वो इससे भी ज़्यादा साफ़ होते हैं, बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट है। ये मैंने ना इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाना, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ऐसे आप टिश्यू ये वाले जो वाइप्स होते हैं ना, इनके ऊपर भी लगा के तो ऐसे साफ़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे साफ़ हो जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग है स्प्रे, तो अच्छी इससे क्लीनिंग होती है। ऑल पर्पज़, ऑल टाइप ऑफ ये जो फ्लैकन है ना, वो इनसे दूर हो जाते हैं। और ये शूज़ बहुत ही, मैं तो जब से ये तरीका किया ना, मुझे बहुत ईजी लगता है। ये मैंने जो क्लीनिंग वाले वाइप्स हैं ना, उनसे एक दफ़ा अच्छी तरह कर लेती। और अगर आपने ये स्प्रे नहीं भी लगानी ना, ये वाले जो क्लीनिंग और डस्टिंग के लिए मैं ये वाइप्स यूज़ करती हूँ ना, ये भी बहुत अच्छे हैं। थोड़े थोड़े गंदे हों तो इससे बड़े ज़बरदस्त साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, अच्छा है इनका भी रिज़ल्ट। तो अगर ज़्यादा है तो फिर आप ये वाले स्प्रे यूज़ कर लें। ये मैंने ऐसे इसको लगा के साफ़ कर देती हूँ, और सबसे एंड पे ना इसको किसी ड्राई टॉवल के साथ, ड्राई क्लोथ के साथ आप इसको ड्राई कर ले, इतना अच्छा साफ़ सुथरे शूज़ हो जाते हैं। चलें जब आ जाते किचन में। आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल्स। इधर जब कुछ भी नहीं समझ आती ना, तो जो घर में पड़ा होता है ना, मैं तो उसे ओवन में डाल देती हूँ। और ऐसे ही मैंने आज किए, मैंने ये थोड़े से पोटैटोस ले लिए हैं, और ये बैंगन काट लिया है, जुकीनी है साथ में, ये एक अनियन लिया है, टमाटोज़ लिए हैं, और थोड़ा बारीक बारीक मैंने ना लहसुन काट लिया। इन सब को ना
जो भी और सब्जियां आप वो भी शामिल कर सकते, मेरे पास यही थी। तो जुक्यूनी तो खाली ये भी हो तो आप ओवन में आप बनाएं, इतनी मज़े की लगती। ये सारी सब्जियां ना मैंने एक बड़े बाउल में पहले ना डाल दी हैं, अब इनके ऊपर मैं मसाले वगैरह लगाऊंगी। और स्पाइसीनेस के लिए ना मैंने ये थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी ऐड की थी और थोड़ा सा पुदीना भी, 3-4 लीव्स थे, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जो इसका रिजल्ट आया है ना, बिलीव मी, जब ये मैंने ओवन में रखी थी, जब जैसे मैं ओवन खोलती थी ना, पुदीने का इतना स्ट्रॉन्ग खुशबू आती थी, बहुत ही मज़े का इससे फ्लेवर आया। और अब चलते हैं मसालों की तरफ। मैं बताती हूँ आपको कि इसमें मैंने क्या क्या डाला था। इसमें मैंने कोई हैवी नहीं डाली चीज़ें, नमक है, ये क्रश चिलीज़ है, और ये थोड़ा सा ना मेरे पास जो तिक्का मसाला है वो मैंने थोड़ा ऐड किया है, ये ऑरिगानो है और थाइम, थोड़े थोड़े बिल्कुल। इनसे ना खुशबू और फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, वो पाकिस्तानी नमक मिर्च हल्दी के ना टेस्ट से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और साथ में मैंने सोया सॉस लिया है, ओलिवियन ऑयल लिया है, और फ्रेश लेमन मैंने लिया है। सारी वेजिटेबल्स में नहीं, मैंने ये सारे मसाले डाल दिए। और ये साथ जो था ना, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, ये गार्लिक पाउडर था और थोड़ा सा जिंजर पाउडर लिया है। जिंजर पाउडर मैंने थोड़ा लिया है, गार्लिक पाउडर भी मैंने आधी टीस्पून ही लिया, और साथ सोया सॉस ऐड कर दिया है। ये मैंने अंदाजे से, मेरे अंदाजे बड़े पक्के हैं, ये अंदाजे से मैंने लिया, 1 टीस्पून होगा या फिर 1 टेबलस्पून, ये मैंने अंदाजे से लिया। और 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ये थोड़ा ना मैंने ओलिवियन ऑयल इसमें डाला है, और इनको अच्छी तरह से टॉस करें, मिक्स करें। और मैंने तो रखा नहीं था, उसी वक्त ही मैंने ना इसको बेकिंग ट्रे में लगाया है और साथ ही इसको रख दिए। 35 मिनट्स में इतनी प्यारी मज़े की ये हो जाती हैं। और ना देखें इनमें ऑयल है, हम तो भून भून के वो इतना सालन बना लेते हैं, खाया जाता नहीं है वो, एंड पे फिर इधर पता वेस्ट ही होता है। इस तरह से ना फिर भी खा लेते हैं। ये भी वेजिटेबल्स ना, मेरे घर में कोई वेजिटेबल्स इतने शौक से खाते ही नहीं है बच्चे, तो ये फिर भी खा लेते हैं बच्चे, 1-2 पीस ले ही लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी टेस्टी लगती हैं। लेमन होता है और लाइट से मसाले होते हैं। इस तरह से बनाई हो ना तो बैंगन भी खाया जाता, वरना तो बैंगन को कोई मुंह नहीं लगाता। तो इतनी टेस्टी ये बनी थी ना हमारी, तो उसी वक्त ख़त्म होगी। मैंने सबसे पूछा किसी ने रोटी साथ देनी, किसी ने भी नहीं रोटी किसी ने नहीं ली। हमने साथ शिनिट्ज़ल किए थे फ्राई, और पोमस बना लिए थे बच्चों के लिए, इनके चिप्स वो फ्राई किए थे। तो साथ सैलेड मैंने बनाया था बड़ा अच्छा, जैसे हम डेली रूटीन में बनाते हैं। ये मैं बच्चों के लिए पोमस फ्राई कर रही थी, साथ मैंने श्निट्सल फ्राई की है। ये अलिशपा अपनी प्लेट बना रही थी, इसने थोड़ी सी पोमस ली है और सैलेड ली है, यही है जो घर में सैलेड और वेजिटेबल शौक से खाती है। और इसने साथ एक श्निट्सल ले ली थी और साथ कड़ी सॉस के साथ इसने खाया था। बल्कि इसे तो इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद आई थी कि इसने दूसरी बार फिर से ली थी, कह रही थी मामा बहुत टेस्टी बनी, क्योंकि इस दोबारा लेमन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा था। और ये जो पुदीना है ना, इसकी वजह से और ही खुशबू आई, क्योंकि मैंने पुदीना कभी ऐड नहीं किया, अवेलेबल ही नहीं होता इधर, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास था फ्रेश, तो मैंने ऐसे ही जब ग्रीन चिलीज ली ना, तो मैंने उसके भी 2-3 पत्ते ऐड कर दिए, तो इतना प्यारा उससे फ्लेवर खुशबू बहुत ही अच्छी आई, बहुत फ़र्क पड़ता है। है तो छोटी सी चीज़ होती है, कभी कभी उसकी अरोमा इतना सारे वेजिटेबल्स में आया ना, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अगर कोई वेजिटेबल्स आपने ऐड करनी वो भी ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद की, नहीं ऐड करनी तो ये जो जुक्यूनी है ये भी आप ऐसे ही इसके साथ भी बना सकते हैं, बड़ी टेस्टी लगती है। और खाना खाने के बाद थोड़ी देर बैठे हैं, मैंने बर्तन वगैरह समेटे हैं, और उसके बाद ये शाम का टाइम है और ये चल पड़े हैं स्पीलप्लट्स। इधर अब छुट्टियां तो रूटीन है कि बस शाम को सारे दोस्त इकट्ठे होते हैं तो फिर खेलती हैं, मज़ा आता है, बच्चे भी होते हैं इधर, फुटबॉल खेलते हैं। ये मेरे शहजादा माशाल्लाह, आजकल तो मैं भी इनके साथ ही चली जाती हूँ, क्योंकि मेरी भी तो दोस्त होती है, टाइम ज़रा 1-1.5 घंटा गुजर जाता, मज़ा आता, गपशप करते हैं, इंजॉय करते हैं। हमने इधर कौन सी किसी की चुगलियाँ करनी होती है, अपने घर की बातें हंसी मजाक करके तो अच्छा टाइम गुजार के अपने घर वापस आ जाते हैं इंजॉय करके। तो पिछली वीडियो की भी बात मैं कर दूँ, मैंने किसी ख़ास एक कंट्री की नहीं बात की, या ख़ास एक फैमिली की नहीं बात की, इधर पाकिस्तान इंडियन जो हमारे अपने फैमिली फ्रेंड जिनसे भी मिल लें उनकी यही प्रॉब्लम होती है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कही है।
और हर एक का अपना अपना आई थिंक सोचने का अंदाज होता है। जो अगर आपने नेगेटिव लेके जाना तो आप नेगेटिव ही उसको समझेंगे, अगर पॉजिटिव लेके जाना तो पॉजिटिव ही समझेंगे। तो इट्स योर चॉइस, मुझे इस बारे में और कुछ कहना ही नहीं है। मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।